सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर दिस इज़ वीडियो नंबर सिक्सटीन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग जावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सॉर्टिंग कर रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने बबल सॉर्ट सीखा था एक लॉजिक बनाया था विजुअल वे में देखा था कैसे बबल सॉर्ट काम करता है नहीं देखा है अभी तक तो लास्ट वीडियो देख लो इस वाले लॉजिक को आज हम ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं वैसे तो मैंने प्लान किया था कि मैं आज सिलेक्शन शॉट कवर करूं, बट मैंने कहा नहीं इसमें कुछ लूप होल है इस लॉजिक के अंदर पहले उसे करेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट शॉट सीखेंगे ठीक है सो so, आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और वैसे इंटरेस्टिंग लगेगा डोंट वरी मैं कुछ ऐसे ही बताऊँगा आपको वीडियो के लास्ट तक ध्यान से देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज भी ठीक है तो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना शेयर करना कमेंट करना ज़रूर कमेंट जरूर करा करो जस्ट अटेंडेंस लगा दिया करो यस सर यस भैया यस अजय तो मुझे पता रहता है कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोग इस सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ठीक है क्योंकि अगर मैं कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ सो आई वॉन्ट ना कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ठीक है तो चलिए जैसा मैंने कहा कि बबल सोट में क्या होता है कि जो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा एल्गोरिथम ऐसा बोलती है कि जो सबसे इनिशियल टाइम पे बड़ा एलिमेंट है उसको हमें सबसे आखिरी में लेके जाना है ठीक है बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम बोलती है कि जो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको सबसे आखिरी में लेके जाना है इससे ये बात समझ आती है कि जो आखिरी वाला एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है ठीक है तो जब लूप चलेगा इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मैं आई की वैल्यू ले रहा हूँ आउटर लूप के अंदर वो सबसे मैक्सिमम है फिर हम आई की वैल्यू को हमेशा डिक्रीमेंट करते रहेंगे क्योंकि मैं हर बार लूप को उतनी बार नहीं चलाऊंगा जितनी मेरी एरे की लेंथ है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एलिमेंट शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे और मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो लास्ट में पहुंच जाएगा तो हर बार मुझे उतनी बार लूप चलाने की जरूरत नहीं है ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में तो इसलिए हमने यहाँ पर जो एरे की लेंथ ली है वो हमने यहाँ पर मैक्स ली है और जो अंदर वाला लूप है जे जो जीरो से शुरू हो रहा है तो जो मेरे आई की वैल्यू होगी माइनस वन कर दे क्योंकि जे मेरा जीरो से शुरू हो रहा है तो मान लीजिए अगर एरे की लेंथ आठ है तो मेरी जे मेरा चलेगा कहाँ तक सेवन तक क्योंकि जीरो से शुरू है तो ये आपका ज़ीरो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और वैसे कितने एलिमेंट हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है तो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट थे तो मैंने समझाया भी था आपको कि जो मेरा ये अगर मेरा एलिमेंट पहला जो है वो बड़ा होता है दूसरे एलिमेंट से तो हम क्या करेंगे सिंपल स्वैप कर देंगे यही बबल स्ट्रोट की एल्गोरिथम कहती है उसके बाद मुझे ये मिल जाएगा तो ये जितनी भी वर्किंग है ना गा ये वाली वर्किंग ये जो वर्किंग है आपके सेकेंड लूप में चलेगी क्योंकि जब ये वर्किंग चल रही होगी उसके उस टाइम पे आपकी जो आई की वैल्यू होगी वो एट होगी एट इज़ ग्रेटर देन जीरो यस अब अंदर वाला लूप चलता रहेगा तो ये जो मैंने काफ़ी बार लिख के दिखाया है आपको समझाने के लिए था खाली है तो यहाँ पे पाँच हो गया फिर ये बड़ा है तो ये इधर चला जाएगा ये एज़ इट इज़ मैंने रखा ताकि मैं समझा पाऊँ आपको फिर नेक्स्ट पाँच और चार पाँच बड़ा है चार से तो ये चार पाँच हो गया उसके बाद फिर पाँच बड़ा है एक से तो ये एक पाँच हो गया फिर पाँच बड़ा है दो से तो ये दो पाँच हो गया फिर पाँच छोटा है आठ से कुछ नहीं होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट आठ और छः तो आठ बड़ा है छः से तो छः आठ हो गया फिर आठ बड़ा है सात से तो सात आठ हो जाएगा ठीक है तो मैक्स मुझे क्या मिल जाएगा अगर हम देखें ये क्या हो गया कंट्रोल जेट कर देते हैं आप ये ओके तो उसके बाद आपका सात आठ हो जाएगा अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा जब वापस मेरा आउटर लूप में जाएगा तो मेरी आई की वैल्यू माइनस हो जाएगी मतलब सेवन हो जाएगी सेवन इज़ ग्रेटर देन जीरो यस अब जो अंदर वाला लूप चलेगा हम कहाँ तक चलाएंगे खाली इनके बीच में इस एट को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें पता है ना कि मेरे पास जो मेरा एरे आ गया है वो ये है एक तरीके से तो डिक्रीमेंट होगी वैल्यू सात तक फिर ये ये लूप चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली छः तक चलेगा तो मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इतने तक ही चलेगा लास्ट वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि मुझे पता है वो मैक्स है तो ये हम सीख चुके हैं अभी तक बट यहाँ पे एक लूप होल ये है गाइज़ अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाऊँ आपको चलो अभी तो एलिमेंट्स मुझे पता है मेरे काफ़ी अनसॉर्टेड हैं यहाँ पे अगर मैं कर दूँ चेंज कर रहा हूँ अभी चल समझाने के लिए एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है ये कर देते हैं अब मुझे देख के समझ आ रहा है ये पूरा एरे सॉर्टेड है बस खाली बात इस एट की है है ना खाली बात इस एट की है बाकी पूरा एरे मेरा सॉर्टेड है तो मुझे इस एट को सबसे आखिरी में लेके जाना है और सॉर्ट हो जाएगा बट यहाँ पे देखो अब इस 1 के लिए मुझे आठ बार लूप चलाना पड़ेगा समझाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग लगा रहा हूँ समझाने के लिए आइप की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं ठीक है और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे एरर देगा फालतू में ये तो यहाँ कर देते हैं हम कमेंट और मुझे अभी इसे शॉर्ट करवाना है और आई की वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल रन करूँ तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए शॉर्टिंग हो गई है मैंने क्या कहा दिस लॉजिक इज़ करेक्ट शॉर्टिंग इज़ वर्किंग बट देखो आठ की वैल्यू फिर आठ हुई फिर आई की वैल्यू सात हुई फिर एक हुई तब जाके मुझे जाके मिला बट आपको पता है गाइस कि मेरे पास आर्ट है पता है कि खाली इस ईट खाली एक ही है मेरे पास ये अगर लास्ट में चला जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा मामला बट लॉजिक तो लॉजिक है जो हमने लिखा है वो तो चलता रहेगा बार बार चाहे उसको थोड़ी पता है कोई इंसान थोड़ी बैठा है उसमें ठीक है हमें सोचना पड़ेगा तो यहाँ पे जो मेरा आर्ट है अगर हम इस केस को एज्यूम करें तो ये क्या होगा जब ये फर्स्ट टाइम इस आर्ट के लिए चलेगा यहाँ देखिए इसको दिखाता हूँ मैं आपको ध्यान से समझिएगा तो ये है तो अगर मेरा आठ बड़ा है आ, बड़ा है वन से तो ये हो जाएगा वन और एट फिर नेक्स्ट हो जाएगा मेरा टू और एट ऐसे करते करते मेरे पास जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा इसे कर दे यहाँ से हटा देते हैं और ये आ जाएगा फाइनल आउटपुट मेरे पास ये आ जाएगा बट मुझे पता है ये सॉर्टेड है बट प्रॉब्लम पता है क्या है इस यहाँ पे ये तब भी लूप चलता रहेगा ये आउटर लूप में जाएगा वैल्यू सात हो जाएगी सेवन इज़ ग्रेटर देन दैन यस उसके बाद ये लूप फिर चलेगा मतलब वैल्यू प्रिंट फिर भी होगी दोबारा वैल्यू प्रिंट होगी ये दोबारा इंटरनल लूप चलेगा जे जीरो रहेगा और जो ये आई की वैल्यू है मेरी सेवन इज माइनस सिक्स तो ये क्या लेगा अब इस इस वाली चीज़ को लेगा वो तो ये सॉर्टेड है बट ये चलता रहेगा सेकेंड लूप भी तो इतनी बार क्यों चलाना इतनी बार हमें क्यों चलाना मुझे पता है कि वो सॉर्टेड हैं सारे उल्दो आई नो ये अब वन आपका टू है ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये चीज़ नहीं चलेगी बट लूप चलता रहेगा आपका तो ये चीज़ है तो ये एक लूप होल है इसके अंदर तो कैसे रिजोल्व किया जाए एक काम करते हैं हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे अभी आपने देखा इन नंबर्स के लिए ये इतनी बार यहाँ पर आउटर लूप आपका चल रहा है ना मतलब सेवन के लिए चला सिक्स के लिए चला फाइव के लिए चला फिर फोर के लिए चला फिर, फिर इंटरनल लूप चल रहा है उल्दो कंडीशन यहाँ पर सेटिसफाई ये नहीं हो रही है बट लूप चल रहा है तो हम क्या करेंगे अगर मेरा नंबर जो पहला वाला नंबर है अगर वो बड़ा नहीं है तो अगर स्वैपिंग नहीं हो रही है जस्ट ऐसे समझते हैं कि अगर स्वैपिंग नहीं हो रही है उस केस में हम क्या करेंगे आ, उसको इग्नोर कर देंगे ठीक है कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे देखिए मैं एक काम करता हूँ सबसे बेस्ट एक चीज़ यहाँ पे करते हैं एक वेरिएबल ले, ले लेते हैं लेट ले लेते हैं इस स्वैप्ड ठीक है तो अगर स्वैपिंग होगी इसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर रहा हूँ ट्रू क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग होगी तो यहाँ कर देंगे ट्रू और ठीक है और अब ये ट्रू हो गई अब ये पूरी पूरा लूप चल गया समहाओ अगर कुछ भी स्वैपिंग नहीं होती है क्योंकि मुझे पता है ये केस ऐसा ही तो है कि इनके बीच में कोई स्वैपिंग नहीं होने वाली क्योंकि ये ऑलरेडी सब सॉर्टेड है मामला वन छोटा है बड़ा तो है नहीं तो ये पूरा सॉर्टेड है ऐसे केस में क्या होगा फिर यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे पे सिंपल लगाएंगे अगर स्वैपिंग समाओ नहीं हुई ये पूरा सेकंड लूप चल चुका है हमारा और स्वैपिंग नहीं हुई तो हम ब्रेक कर देंगे लूप से बाहर आ जाएंगे काम खत्म तो लूप से बाहर जब आ जाएंगे ना जब ये आप ये आउटर लूप से आप बाहर आ जाओगे तो उसके बाद वो आगे जाएगा ही नहीं मतलब जो आपको ये आठ छः सात दिख रहा दिखेगा ही नहीं क्योंकि तो स्वैपिंग हुई नहीं देखिए दिखाता हूँ आपको समझ पाओगे अभी देखना यू कैन सी दिस ओके सेवन प्रॉपर्टीज़ ऑनडिफाइंड ठीक है एक मिनट रुको जैसे चल गए ये देखो आठ सात और मेरे को मिल गए मेरे सॉर्टेड एलिमेंट्स एरर क्या आया है एक बार यू भी देख लेते हैं अच्छा मैं एरर पता है क्यों आया क्योंकि हमने यहाँ पे ये ना ये कर रखा है इसलिए एरर आया है, इसको यहाँ पे करते हैं कमेंट तो यहाँ पर बड़ा इजी तरीका लॉ थोड़ा लॉजिक हमने कर, कोशिश की हमने आप एक वेरिएबल बना दिया है और अगर स्वैप होगा पहला नंबर मेरा बड़ा है अगर स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है दो नंबर के बीच में इस कंडीशन के बेस पे सेकंड लूप चल रहा है तो उसके इसमें ट्रू हो जाएगा समहााउ सेकेंड लूप के अंदर मेरी कोई स्वैपिंग हुई नहीं तो हमने क्या करा अगर स्वैपिंग नहीं हुई तो ब्रेक कर दो मतलब लूप से बाहर आ जाओ बाहर बार लूप से बाहर आ जाओगे जो भी एरे होगा वो आपको मिल जाएगा और वो आपको गया ही जहरे मिल भी गया थोड़ा क्लियर करता हूँ यहाँ पे यू कैन सी आगे चला ही नहीं छः सात के लिए चला ही नहीं क्योंकि वो गया ही नहीं आगे वैल्यू चली ही नहीं क्योंकि हम बाहर आ गए तो ये एक बेहतर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है ये आप यूज़ कर सकते हो बहुत बार हमें ऐसे फ्लैक्स की ज़रूरत पड़ती है हम फालतू के हाइट्रेशन नहीं चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉर्ट दी एलिमेंट पर कंडीशनस आपकी लगी हैं बट वो कंडीशन फालतू में ना चलती रहे क्योंकि ये तो कोड लिखा है जैसा आप कोड लिखोगे वैसा चलता रहेगा उल्दू आपके नंबर शॉर्ट हो चुके हैं बट इंटरनल लूप तब भी चले जा रहे हैं आर यू गेटिंग मी इट्स स्टिल वर्किंग एंड चेकिंग कि भाई वो नंबर और ये कंडीशन बार फॉल्स हो रही है तो हमने समझाने के लिए अपने कोड को समझाने के लिए और सामने वाले को समझाने के लिए इस स्वैप यहाँ पे ट्रू कर दिया कि भाई अगर स्वैप होगा तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाए और अगर सेकेंड लूप में स्वैपिंग परफॉर्म हुई नहीं जैसे नहीं हुई ना इस केस में देखो ना आप, आपके पास पहली बार में आपको ये आठ आपका चला गया जब पहली बार जब आठ के लिए चला होगा जब एट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा ये लूप चला होगा तो आपका आठ पहुँच गया है वहाँ पर तो जब ये नेक्स्ट टाइम जब इसकी वैल्यू सात होगी सेवन इज ग्रेटर देन जीरो होगी जब ये लूप चलेगा दोबारा से तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होने वाली क्योंकि ये कंडीशन चलेंगी नहीं सारा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो फिर हमने यहाँ पे कहा नहीं है सो आपको ब्रेक कर दो मिल गया अरे ठीक है क्लियर है एक बार देख लेते हो दोबारा से वो विजुअल विजुअल दिखाता हूँ आपको तो बबल सॉट गए वेरी इंटरेस्टिंग आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है जैसे ये है अभी फोटी फोर है यहाँ पे ये थ्री है तो मुझे पता है कि थ्री इज़ मतलब तो थ्री छोटा है मेरा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद फिर फोटी एट और थर्टी एट तो फोर्टी फोर यहाँ चला जाएगा थर्टी एट यहाँ आ जाएगा फिर ऐसे ही आपका फोटी सेवन आप बड़ा है तो फोर्टी सेवन अब बड़ा हो गया फिर फोर्टी सेवन चलता रहेगा चलता रहेगा तो लास्ट में फिफ्टी है तो फिफ्टी लास्ट में आ जाएगा फिर दोबारा से आइट्रेशन होगा जो आपका आउटर लूप होगा उसकी वैल्यू फिर हम कम कर देंगे फिर इंटरनल लूप चलता रहेगा ये पूरा इंटरनल लूप चल रहा है आपका देखो दिखाता हूँ गो किया ये देखो फोर्टी फोर फोर्टी फोर चेंज हुआ देखो स्वैप हुआ फ़ोटी सेवन फोटी सेवन थर्टी सिक्स बड़ा है ये फोर्टी सेवन से चला गया टू ये बड़ा है देखो अभी फ़ोटी सेवन फिर ये नाइनटीन फिफ्टी फाइनली फिफ्टी ये आपका एक चल गया अब इंटरनल लूप अभी चल चुका है इंटरनल लूप फिर दोबारा से अब ये दोबारा चल रहा है तो इस तरीके से स्वैपिंग चल रही है ठीक है और ये है आपका था गाइज़ बबल शोट मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना बिंदास आई विल हेल्प यू बट अगर नहीं आया समझ तो एक बार दोबारा भी सुन लोगे तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये होते बहुत इजी हैं बस ध्यान से थोड़ा सुनने वाली बात होती है तो इसलिए ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेरी वीडियोज़ को ना स्किप करके देखते हैं फिर कमेंट में लिख देते हैं कि भैया है, समझ नहीं आया तो स्किप नहीं करना है ठीक है वीडियो को पूरा देखना है चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्शन शॉर्ट समझेंगे और शॉर्टिंग फटाफट से ख़त्म करते हैं पहले और उसके बाद फिर हम आगे लिंक लिस्ट ठीक है बाइंड्री ट्री ये सब चीज़ें करेंगे और सर्चिंग में जो कॉन्सेप्ट रह गए वो भी कवर करेंगे चलो गाइज थैंक यू सो मच मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना शेयर करना कमेंट करना टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट